पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। सोच ले, सोच के जवाब देना, क्योंकि मुझे भी पलकी बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पलकी पलकी तेरे लिए बनी। इतनी अच्छी लड़की, इतनी नेक, इतनी प्यारी, अभी भी देर नहीं हुई, किस्मत बदल सकती है राजवीर। नहीं 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 करता, नहीं करता। आसी चलिए, हमें बारातियों का स्वागत करना है, चलिए। ठीक है चल, लेकिन बाद में ये नहीं कहना कि तेरी मासी ने तेरी फीलिंग्स नहीं समझी। नहीं कहूँगा, आज से पहले कभी कहा है? नहीं ना, आगे भी नहीं कहूँगा। नहीं मैम। हाँ। नहीं मैम, नहीं। ऐसा ही है। क्या नहीं नहीं कर रहे हो? हाँ, ये क्या चल रहा है? हाँ नहीं, हाँ नहीं। राखी मैम मुझे बेवकूफ बना रही है। अरे तुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? बेवकूफ बना रही है कैसे? राखी मैम कह रही है कि इन्होंने आज प्रीता भाभी को देखा। हाँ मैं सच कह रही हूँ, प्रीता को देखा है। भाभी कैसे? मैंने प्रीता को अपनी आंखों से देखा, वो मेरे सामने थी, वही थी। पुत्र तूने ऐसी लड़की देखी होगी जो प्रीता जैसे दिखती होगी, ये कैसे हो सकता है? पुत्र ऐसा नहीं हो सकता ना। आप पंडित? मैं पंडित? पुत्र मैं तेरी मम्मी हूँ, बानी लूथरा। पंडित कहाँ से हो गई मैं? आप पंडित जी को जानती है ना, उनकी बात कर रही। मैं जानती हूँ आप मम्मी जी हैं और मैं आपकी बहू हूँ राखी, लेकिन आप जानती है मैं मंदिर गई थी पूजा करने, वहां पंडित जी को थाल दिया, माता जी को प्रार्थना की मैंने, और जब पूजा हो गई तो पंडित जी ने मुझे थाल लौटाया। वो थाल लेके जब मैं मुड़ी तो क्या देखती हूँ मैं, मेरे सामने प्रीता खड़ी थी। दो सेकंड के लिए मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि प्रीता मेरे सामने है। मैं वापस उसी जगह पे जाके खड़ी हो गई ये देखने के लिए कि प्रीता है कि नहीं, और देखते ही देखते वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं मंदिर में वहां प्रीता को ढूंढने लगी, यहाँ वहां सब जगह ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर मैं वो पूजा का थाल लेके मंदिर के बाहर आ गई। तो आपको याद है मम्मी जी, आपने मुझे वो बैग दी थी जिसमें पुराने कपड़े थे, और आपने कहा था कि किसी गरीब बच्चे को दान में दे देना। बस वही बैग लेके मैं रोड के उस तरफ जा रही थी, प्रीता, और फिर देखा मैंने कि मेरे सामने वही लड़की जैसे मैंने मंदिर में देखा था, वही लड़की सामने खड़ी थी रोड के उस पार और गरीब बच्चों को लड्डू बांट रही थी। इतने में गाड़ी आई और मुझे ठोकर मार दी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अरे, ओ गॉड, एक्सीडेंट हो गया? आप ठीक तो है ना भाभी? दी मैं ठीक हूँ, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।